होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐप लॉग शेयर करने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में आपको ऑल फीचर्स मिल जाएंगे जो आप डिमांड कर रहे हो। एडवांस लेवल का ऐप लॉग है ये। मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करो जो सिंपल और एडवांस हो। अगर आपको वीडियो पसंद है आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए हैं दी ट्रेंडर को सब्सक्राइब भी करना है। दिस इज आदिल फ्रॉम दी ट्रेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जाना है आपने प्ले स्टोर के ऊपर, उधर सर्च कर लेना प्राइवेसी स्पेस। ये एप्लीकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है 32 बिट। ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल नहीं करनी। इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोटो लॉग एंड वॉल्ट हाइड वीडियो प्राइवेट स्पेस इस एप्लीकेशन का नाम है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने इसको जरूर लाइक करना है। सबसे पहले आपने पिन इधर सेट कर लेना है अपना, मैंने तो किया हुआ है, मैं आपको चेकआउट करवा दूँ। ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया। सबसे पहले हमें प्राइवेट ब्राउज़र ऐप लॉग प्राइवेट मैसेज देखने को मिल जाएंगी। अलग से हम फोटो वीडियोस को कैसे लॉग लगा सकते हैं, ये इधर हमारे पास प्लस के आइकन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इधर हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शन पिक्चर्स के, वीडियोज़ के, डॉग, ऑडियो नोट्स और नेटवर्क भी आप इसमें कर सकते हैं। अलग से आप इसको टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास टेक फोटो टेक वीडियो का ऑप्शन भी आ जाएगा। काफ़ी जगह के ऊपर होता है कि हम अपनी गैलरी में वो चीज़ या किसी लड़के की पिक्चर क्लिक करनी है, वो हम अपनी गैलरी में सेव नहीं करना चाहते। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए इसकी परमिशन आपने दे देनी है, और इधर से जो भी आप क्लिक करेंगे वो इस एप्लीकेशन में रहेगा, वो आपकी गैलरी में सेव नहीं होगा। मैं आपको इधर टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है, प्लीज़ चूज़ फोल्डर। आप अलग से किसी न्यू एल्बम में करना चाहते हो कि नहीं, हम कह देते हैं जी डिफ़ॉल्ट के ऊपर ओके हो गया। तो यह हमारे पास आ गई है, ये पिक्चर आ गई है, एक पिक्चर हमारे पास आ गई है। वीडियो भी इसी तरह होगी। तो सबसे पहले मैं आपको पिक्चर का मेथड बता देता हूँ। इधर हमारे पास आ जाएंगे पिक्सल लैब से, जो उनसे मैंने थंबनेल बनाए हैं। इधर हमारे पास हाइड वाला ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपने दो सेलेक्ट किए इधर 2 आ जाएगा, तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। फिर फोल्डर पूछ रहा है, हम कहते हैं जी नहीं मूविंग। तो ये आपके गैलरी से मूव हो रहे हैं, ये देखें इस एप्लीकेशन में स्टार्ट करेंगे और ये इसकी ऐड आ गई। थोड़ा सा आपको एड्स का मसला आएगा, अगर आप विदाउट इंटरनेट या वाईफाई से इस ऐप को यूज़ करते हो तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। ये देखें 2 फाइल्स हैव बीन मूव्ड हो गई है इसमें। तो ये देखें हमारे पास आ गई हैं, ये भी थंबनेल आ गया, ये भी एक थंबनेल आ गया। टोटल हमारी पिक्चर हो गई है कि मैंने अलग से कोई एल्बम नहीं बनाई, कोई जस्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है इसमें। वीडियोज़ आ जाएंगी, वीडियोज़ का भी वही मेथड है। इधर आपके सामने फोल्डर आ जाएंगे, आप इजीली पिक कर सकते हो। एक्सप्लोर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फ़ोटोज़ हमने टोटल 5 की है। चले मैं आपको एक वीडियो भी करके दिखा देता हूँ। तो इधर से हमारे पास स्नैपट्यूब वीडियो हाइड ओके स्टार्ट, इतना सा काम है। ये देखिए फ़ोटोज़ 5 हो गई हैं और वीडियोज़। इसी तरह से डॉक्स आ जाएंगी, ऑडियोज़ आ जाएंगी, जो उनसे आपने डिलीट की होगी पूछेगा भी। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ डिलीट वाला सेक्शन भी। इधर से मैंने डिलीट की है तो ये कह रहा है जी आर यू श्योर टू डिलीट दिस फाइल। हम कहते हैं मूव टू रिसाइकल बिन, ओके कन्फर्म। इसकी रिसाइकल बिन में वो चले जाएगी फाइल। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ओप्पो या वीवो के एनीथिंग जो भी ब्रांड है उसकी लग से फोल्डर में वो चीज़ चले जाती है, फ़ोटो या फाइल कोई भी एनीथिंग चीज़ चले जाती है जो भी आप डिलीट करें। तो इसका भी वही चीज़ है कि अलग से आपका एक कह लें कि अलग स्पेस है, प्राइवेसी स्पेस। उन्होंने इस एप्लीकेशन का नाम ही इस तरह से रखा है कि अलग से आपके पास एक स्पेस आ जाएगी, आप उसमें इजीली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इधर हमारे पास ऐप लॉक आ जाएगा, प्राइवेट ब्राउज़र भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इधर से हमने प्रोडक्ट कर लेना है, ऑल परमिशन आपने दे देनी है। हम इसको कर लेते हैं जी प्रोडक्ट, चलो कोई बात नहीं। ये परमिशन आपने जो सी है वो लाजमी देनी है। यूजेज डेटा हमारे पास आ जाएगा कि आपका यूजेज डेटा रीड करें। उसके बाद ये फिर 2 परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपका जो सी प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। 2 या 3 देनी पड़ेंगी। तो ये मैंने आपके सामने दे दी है। अब हम इसके आ जाते हैं एडवांस में। मैं आपको इस एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन चेक भी करवाऊंगा। पासवर्ड सेटिंग इसमें हमारे पास आ जाएगी, पासवर्ड टाइप आ रहा है, पिन आप इसमें रख सकते हैं, पैटर्न भी रख सकते हैं, यूज़ फिंगरप्रिंट हम इसको ऑन कर लेते हैं जी, ठीक है। और ये हमारे पास चेंज पासवर्ड। आप अगर सिक्योरिटी ईमेल लगाना चाहे तो आप इजीली लगा सकते हैं, आप अपना जो भी ईमेल है। प्राइवेट मैसेज ये क्या करेगा कि आपके नोटिफिकेशन को हाइड कर देगा। इस एप्लीकेशन में डिलीवर हो जाएंगी ऑल नोटिफिकेशन, इसको मैं कर देता हूँ ऑफ फिलहाल, तो डिसेबल, ये अभी मुझे नहीं चाहिए। ऐप डिस्क्यूजिव आ जाएगा कि एज ए कैलकुलेटर ये चेंज हो जाएगा। इसका इंटरफेस जो सा इंट्रोड्यूटर सेल्फ है ये
कमाल है। ये देखिए ऑटोमेटिकली टेक फ़ोटोज़ आफ्टर एंटरिंग द रोंग पासवर्ड 3 times। अब मैं इस एप्लीकेशन को चेक करवाने जा रहा हूँ। ये सारी इसकी बेसिक सेटिंग है, सिंपल इंटरफेस है और एडवांस इसकी फंक्शंस है। ये लीजिए जी, हमने इसको ऑफ़ कर दिया है और अब हम इधर से चलाते हैं अपना क्रोम। ये देखें आगे ओनली रैम भी आप बता रहे हो, क्या बात है। बूस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये देखें इधर मेरे पास फिंगरप्रिंट है, तो देखें ये मेरे पास जो भी इसका हो गया है अनलॉक। चले मैं आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी, शायद होपफुली इसने नहीं लगवाया। अभी हम दोबारा से चेक करने जा रहे हैं क्रोम का, तो ये देखें इजीली अनलॉक हो रहा है। अभी मैं आपको इसका एक और लॉक मोड बता दूं। आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग हमारे पास आ जाएगी, लॉक द न्यू ऐप इधर हमारे पास, जिसको भी आप अन चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने तो ऑन ही इसको किया हुआ, आप ऑफ भी करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं। लॉक मोड हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास 3 ऑप्शन है, लॉक ऐप्स, ओपन, एक्साइटिंग। मैंने इसके ऊपर स्पेशली रखा है कि आपको अलग से कोई भी, ये देखें ये मैंने अलग से इसको मिनिमाइज़ करके दोबारा से ओपन किया है, तो ये देखें फिर से लॉक आ गया है। इस तरीके से मैं इस ऐप को यूज़ करना चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से इस ऐप को यूज़ करना चाहोगे या अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। मैंने एप्लीकेशन आपको बता दी है एडवांस लेवल की, जो भी आपके सामने है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें। एप्लीकेशन की ऑल मैंने सेटिंग बता दी है, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं भाई आपको रिप्लाई दे दूँगा। आपको जो भी मसला आ रहा है इस एप्लीकेशन में, एडवांस और सिंपल इसका इंटरफेस है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई करो, इस वीडियो को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसको भी कोई ऐप लोग नीड है आप मेरी वीडियो का लिंक उसको शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के ऊपर हमारी नोटिफिकेशन को कर दें, ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।